हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। और आज सी टेट का जो 7 जुलाई 2019 यानी आज जो सी टेट का जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का, उसकी मैं आपके लिए आंसर के लेके आया हूँ। और इसका जो परीक्षा पुस्तिका संकेत टेस्ट बुकलेट कोड है वो पी है। तो इसका मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा, आंसर बताता जाऊँगा। और अभी मैं आपको मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कल सुबह तक पूरा का पूरा पेपर, पेपर वन और पेपर टू जो जूनियर लेवल का होता है, दोनों की कंप्लीट आंसर की कल सुबह तक मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा पार्ट्स में। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि सारे वीडियो अपडेट्स आपको आगे के मिल सकें और पूरे के पूरे आंसर आपको पता चल सकें। यहाँ पे मैं आपको डिटेल सॉल्व करके ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं, जो आंसर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। 150 क्वेश्चंस हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द करेक्ट डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से थे, उनका आंसर क्या क्या है। चलिए बिना समय खराब किए हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। और मैथमेटिक्स में 31 से लेकर 60 तक 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। प्राइमरी लेवल का ये पेपर है, आज 7 जुलाई को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, मैं आंसर बोलते जा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सेट्स में ये आंसर्स आगे पीछे हैं, क्वेश्चंस भी आगे पीछे हैं। तो ये जो मैं आपके साथ सेट शेयर कर रहा हूँ वो पी, इसका टेस्ट बुकलेट कोड पी है। ओके, पहला क्वेश्चन था, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, बीकर की धारिता क्या है? तो इसका सॉल्व करके आंसर आने वाला है, डायरेक्ट बताता हूँ, फोर्थ ऑप्शन चाहिए, 28 लीटर इसका आंसर आएगा। ओके, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 30.5, उसके बाद 3.50, फिर 3.055, उसके बाद 3.05, 3.005, लास्ट में आएगा 0.355। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया और मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार होगा क्या होगा? तो इन सबको ग्राम्स में कन्वर्ट करके आप जोड़ेंगे और 24 से भाग करेंगे तो आंसर इसका 400 ग्राम आने वाला है। इसका सेकंड पार्ट इसका ये 33 का टू ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की संख्या हूँ और 3, 4, 6 का सर्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि सम संख्या है तो सारी हैं, ठीक है। 3, 4, 6 का सर्वगुणज होने का मतलब है कि जो ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाती हो, 4 से भी कट जाती हो, 6 से भी। तो 48, 24, 36 तीनों जो हैं वो 3, 4, 6 का सर्वगुणज हैं, लेकिन ऐसी संख्या भी दर्ज करनी है उसके गुणनखंड भी 9 होने चाहिए। तो इसका आंसर चौथा वाला 36 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये बचाती है, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी? तो आप इसका सारी जो जितनी बचत है उसे जोड़ेंगे और खर्चे को घटाएंगे तो आपको एक सप्ताह की बचत मिल जाएगी, और जो बचत मिलेगी उसे आप भाग करेंगे इस संख्या को, तो आपको आंसर वहाँ पे 35 मिलेगा। नहीं, इसका उत्तर 35 यहाँ पे सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, यदि 110111 का बेस 2 इज इक्वल टू ब्लैंक बेस 10, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या आएगी? 127 आने वाली है, इसका आंसर 2 सही है। अब पूछ रहा है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो परिमाप क्या होगा? परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, तो अभी 10 सेंटीमीटर भुजा है, परिमाप 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भुजा 20 सेंटीमीटर हो जाएगी तो परिमाप 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। 37 का 4 आंसर सही है, ठीक है, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा होता है। अब ये पूछ रहा है, निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित की रेखाएं हैं? मतलब क्षैतिज रेखा भी है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, वर्टिकल मतलब ऐसी, दोनों रेखाएं हैं। तो ये यहाँ पे केवल एक लेटर मुझे ए दिख रहा है, इसमें ये क्षैतिज रेखा भी है और ये ऊर्ध्वाधर नहीं वर्टिकल रेखा भी है, तो इसका 38 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 ये पूछ रहे हैं कि 72 × 28 इज इक्वल टू 36 × 4, क्या मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये इक्वल हो जाए? तो ये सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल होने वाला है। अब 14 के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है? 14 7 का गुणज भी है, ठीक है, पहला वाला पार्ट ठीक है, डी 14 एक सम संख्या भी है, और ई वाला पार्ट सही है कि ये 56 का गुणनखंड भी है। तो इसमें ए डी ई तीन ऑप्शन सही है, यानी 3 क्वालिटी 7 का गुणज भी है, एक सम संख्या भी है, 56 का गुणनखंड भी है, तो ए डी और ई तीन ऑप्शन इसके सही हैं।
नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, कक्षा थर्ड में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना को समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित क्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो सबसे बेहतर अध्ययन जो होता है प्रत्यक्ष, तो ठोस पदार्थ लेकर उसे प्रत्यक्ष रूप से चतुर्थांशों में बांटना, उसके बाद हम उसे चित्र दिखाएंगे, उसके बाद श्यामपट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चा क्लास थर्ड का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, यानी ऑप्शन बी पहले आएगा, उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, ऑप्शन सी उसके बाद आएगा, और चतुर्थांश के प्रत्येक को श्यामपट पर लिखना, यानी ऑप्शन ए सबसे लास्ट में आएगा। तो बी सी ए ये क्रम इसका सही हो जाएगा, 40 का तीसरा आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा थर्ड के छात्र ने 16 × 25 को का गुणन इस प्रकार किया है। तो गुणन उसने क्या किया, 16 × 25 को, 16 को उसने 8 × 2 लिख दिया, 16 का वितरण कर दिया 8 × 2 में, 25 का वितरण कर दिया 5 × 5 में। तो फिर उसने क्रम विन्वय का नियम यहाँ पे लगाया कि ये संख्या इधर, ये संख्या इधर कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन उसका बच्चे का बिल्कुल करेक्ट है। उसने जो इस्तेमाल किया रूल, वो वितरण सिद्धांत का इस्तेमाल किया है, तो इसका 41 का आंसर 1 सही हो जाएगा। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? समावेशित विद्यालय की संकल्पना RT 2009 में दी गई, उसमें बताया गया है कि सभी प्रकार के बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड हैं और सामान्य बच्चे, सबको एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, तो एक साथ पढ़ाना है, इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। 42 का आंसर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो पक्षांतर होता है, विजुलाइजेशन होता है, आकलन होता है, कंटस्थ करना यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका 43 का आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है? संरक्षण जो है प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। संख्या को संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या को जिस अंक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं, जैसे 3 है तो ये क्या हो गया, 3 एक संख्या और ये 3 का संख्यांक हो गया। ठीक है, तो संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक संख्यांक को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, नहीं भैया, 3 को 3 से ही प्रदर्शित किया जाएगा, वो बात अलग है, अलग अलग लैंग्वेज में हम अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन एक किसी विशिष्ट भाषा में एक संख्यांक एक ही प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, दूसरा सही है, यानी ए वाली बात शुद्ध है और बी वाली बात अशुद्ध है, तो 45 का आंसर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, है ना, पहले बोल रहा है कि एक टोकरी में 15 संतरे, दूसरी टोकरी में 17 संतरे, मिलाकर बताओ कितने संतरे। ठीक है, तो इसने योग की बात की है, दोनों को हम योग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में वृद्धि हो गई 375 की, नई कीमत क्या होगी? वृद्धि हो गई, यानी संवर्धन हो रहा है, तो दूसरे कॉन्सेप्ट में संवर्धन की बात की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 सही होगा, ये योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और भी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, आंसर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, ठीक है, 25 टाइल दिए उसने और उन्हें संभव आयताकार समूहों में रखने की बात की गई है, तो उससे आप क्या क्या समझा सकते हैं बच्चे को, क्षेत्रफल बता सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, गुणनखंड बता सकते हैं क्योंकि टाइलें बहुत सारी अलग अलग पीसेस में हैं, परिमाप बता सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, आंसर 2 करेक्ट। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानी है, तो कैसे पहचानना है आपको, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन 48 का 1 आंसर करेक्ट है। ठीक है, 1 वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखो 49, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन सी है? तो यहाँ पे ज्यामिति चिंतन है, 49 का आंसर थर्ड सही हो जाएगा। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, यानी 50 का जो आंसर है वो थर्ड वाला सही होने वाला है। ठीक है, 51 पे आते हैं, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे है ना 0.3 × 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिखाया 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए बेहतर विधि कौन सी होगी? तो यहाँ पे ग्राफ पेपर एक बेहतर विधि होगी, ग्राफ पेपर पे इस तरह के खाने रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह आप समझा सकते हो कि 0.2 × 0.3, तो यह 2 इस एक्सिस पे ले लिए और 3 एक्सिस पे ले लिए, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये इस तरह से हम ग्राफ पेपर की हेल्प से समझ सकते हैं। 51 का आंसर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। NCF यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात कर रहा है, 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए?
तो एनसीएफ में शिक्षा को दैनिक जीवन से जोड़ने की बात की गई है। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन ए सही है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन, ये पूछना विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। सबके तरीका समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए, ये ऑप्शन 2 इसका आंसर करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऐसे कार्यों की अवकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। 54 का आंसर ए यहां पे सही हो जाएगा, बन ऑप्शन सही करेक्ट। 18 सही 3/4 में कुल कितने चतुर्थांश हैं? तो इसे आप इसे सॉल्व करके है ना गुणा करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 75 आने वाला है, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा 75। ओके, एक स्कूल में आधे छात्र इवेंट में खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले की स्क्वाड है तो कुल कितने छात्र होंगे? तो यहाँ पे आप हल करेंगे तो आपका इसका आंसर करेक्ट 56 का बन आने वाला है, 40। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल भेजने के लिए जाती है, डाक की दरें दे रखी है यहाँ पे, 20 ग्राम के लिफाफे के लिए 5 रुपये लगने वाले हैं, है ना, अतिरिक्त 20 ग्राम भार के लिए 2 रुपये लगने वाले हैं, पार्सल का भार दिया हुआ है यहाँ पे, अब 2 पार्सल दे रखे हैं उसने, कितना डाक शुल्क लगेगा? तो कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर 49 आने वाला है, 49 यानी 4th आंसर इज करेक्ट। अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित स्थानों में व्यवस्थित किया जाए, है ना, इस प्रकार आपको अरेंज करना है इन अंकों को कि रिजल्ट जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम रिजल्ट के लिए जो बड़े बड़े अंक है ना ये वाले, ये सबसे पहले आप सैकड़े के स्थान पे ले लेंगे, ठीक है, फिर बड़े बड़े अंक ढाई के स्थान पे ले लेंगे, 6, 4 आ जाएगा, फिर छोटे छोटे अंक इस तरह आप ले लेंगे, 3 और 2 ले लेंगे और टोटल करेंगे तो इसका 1605 आंसर आने वाला है, यानी आंसर 2 इज करेक्ट, 58 का 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं 59 पे आते हैं और वहाँ पे बोला जा रहा है 59 में कि नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित समय सारणी बताइए, और पूछ रहा है स्टेशन का नाम दिया है, आगमन दिया है, प्रस्थान दिया है, वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, ठीक है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? तो जोड़ा कितना था 50 जो मिला, फिर जो जोड़ा वो घटा दिया, तो इसका आंसर आपको 100 आने वाला है, क्योंकि कोई चेंज नहीं किया गया है, जो जोड़ा गया वही उसमें से बाद में घटा दिया गया, आंसर इज 100, 60 का आंसर 40 हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन की बात दोस्तों हमने अभी नहीं की है, डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो डिटेल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियोज में आपको अवेलेबल कराऊंगा, फिलहाल ये केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है और अगले कुछ ही घंटों में मैं अपने चैनल पर सारे सब्जेक्ट यानी प्राइमरी के सारे 150 क्वेश्चन के आंसर कल सुबह तक अपलोड करने वाला हूँ, मैं स्टडी करके अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सही हो जिनमें डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन ना रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इसे, जिससे सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको फटाफट से मिलते रहे, कल सुबह तक प्राइमरी जूनियर प्राइमरी का कोई जितना पेपर है और जूनियर का जितना पेपर है सारे आंसर्स आपको मिलने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।